नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले परमाणु हथियारों के बारे में न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा आप यहां पे आर्टिकल देख सकते हो डिप्लोमैट का इनफैक्ट द सेम आर्टिकल इट अपियर इन ओ आर आर न्यूक्लियर वेपन गेनिंग न्यू सेलियंस इन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज तो हम लोग इसके ऊपर एक व्यापक विश्लेषण करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया दिस वॉज एन आर्टिकल इन ओ आर एफ ऑल्सो विद सेम टाइटल आर्टिकल काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से इंटरनेशनल पीस के से यानी कि इन जनरल वर्ल्ड सिक्योरिटी वर्ल्ड पीस के से फ्रॉम जनरल स्टडीज अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बिलोंग करते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रिगार्डिंग न्यूक्लियर डिसआर्माट यह आर्टिकल लिखा गया था राजेश्वरी पिल्ल राजगोपालन सो यू कैन कोट हियर ऑल्सो इनफैक्ट डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक सवाल भी पूछूंगा इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रेमिंग योर ओपिनियन फ्रॉम पर्सनलिटी इंटरव्यू पर्सपेटिव राइट शुरू करते हैं फॉलो मी ऑन दीज आई डीज इसके अलावा अगर आप यूपीएसविल सर्विस एग्जामिशन की तैयारी कर रहे हो तो जस्ट गो टू डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिक्यूलर वीडियो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट आर कोर्सिस डिस्कशन शुरू करते हैं सवाल के साथ टिपिकल इंटरव्यू वाला सवाल है जहां पर इफ यू आर एन इवन ऑफिशियल इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्स आप समझ लीजिए इंडिया से अपॉइंटेड या फिर इंडिया के नॉमिनेटेड यू एन ऑफिशियल है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई है कि वर्ल्ड डिसआर्मेंट पॉलिसी बनाए तो आप बताइएगा कि वट वुड बी योर अप्रोच टूवर्ड्स डेवलपिंग वर्ल्ड डिसआर्मामेंट पॉलिसी वट वुड बी योर आइडिया कैसे हम लोग वर्ल्ड डिसआर्मामेंट कर सकते हैं राइट चलिए आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जवाब डिस्कशन शुरू करते हैं ये हम लोग बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है सिप्री की। सिप्री बुक रिलीज, रिलीज हुआ है 2021 का आप देख सकते हो ईयर बुक सिप्रीय डिसमेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी जहां पे उन्होंने न्यूक्लियर आर्सनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में कुछ खबरें दी हुई है अब ये सिप्री है क्या एग्जैक्टली सिपरी इज स्टॉकहोम इंस्टीट्यूटनी स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन सिपरी की रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो रिसर्च करके डेटा अच्छे से कोलेक्ट करके हमें ये बताते हैं कि कितनी ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रही है देशों में ऑल ओवर द वर्ल्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनकी डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू डिस आर्मेंट एंड आर्म्स एंड एमश कंट्रोल तो इस साल जून में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है चलिए सबसे पहले इस रिपोर्ट की नंबर्स के बारे में देखते हैं और उससे एक सवाल उठाते हैं और उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं देखिए इस रिपोर्ट की अगर आप डिटेल्स देखोगे वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस जनवरी 2021 इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व में अभी नौ न्यूक्लियर पावर्स है ये है उनकी लिस्ट नाइन न्यूक्लियर पावर्स हु हैव द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और उनके अगर आप नंबर ऑफ वॉरहेड्स की बात करोगे तो 2020 में आप यहां आप देख सकते हो टोटल इन 2020 इट वाज 13,400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अमोंग ऑल दीज कंट्रीज

ये नंबर कम क्यों हुआ है इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यूएसए और रशिया ने जो अपने पुराने न्यूक्लियर वॉरड से जो कोल्ड वॉर एरा के न्यूक्लियर वॉरड से उन्हें रिटायर किया है तो इसलिए स्मॉल नंबर में न्यूक्लियर इन्वेंट्री में हमें नंबर्स कम दिखे हैं लेकिन इस रिपोर्ट की अगर हम लोग डिटेल्स में चले जाए तो हमें यह पता चलेगा देर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर कम हुआ है लेकिन जो ट्रेंड है का, जवाब होगा हां चलिए एक विश्लेषण करते हैं नॉट ऑल द नाइन कंट्रीज बट विल टॉक अबाउट दंट्रीज टॉक अबाउट इंडिया ऑल्सो सबसे पहले यूएसए की बात करते हैं राइट यूएसए की बात करें जनवरी दो हजार बीस में यूएसए ने डब्ल्यू सेवनटी सिक्स ट्राइडेंट सबमरीन वॉरहेड डिप्लॉय किया यह एक न्यूक्लियर वॉरहड है जिसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि इट वॉज वेरी मच नेसेसरी टू रिड्यूस द्लॉयटेबल गैप इन यूनाइटेड स्टेट डिटेन्स कैपेबिलिटीज इसके अलावा डब्ल्यू सेवनटी सिक्स टू के अलावा अगर हम लोग बात करें यूएस इज ऑल्सो रिपोर्टेडली मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर आर्म्ड सी लॉन्च क्रूज मिसाइल्स राइट अब ये तो हो गई ट्रंप एरा की बात है अब आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ट्रंप एरा में तो काफी ज्यादा कॉन्फ्रेंटेशनल स्टांस था लेकिन जो बाइडन की पॉलिसी हमें पता नहीं है लेकिन जो बाइडन की जो शुरुआती छह महीने में हम लोग एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं हाल ही में उनका फिजिकल जो बजट है 2022 का बजट है उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एलोकेट किया था 98.5 मिलियन और ये एलोकेशन किस लिए गया था एक कोल्ड वॉर एरा का बॉम्ब है बी एटी थ्री वन ऑल दो इसके ऊपर ओबामा एरा में ही ये कहा गया था कि बी एटी वन जो न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब है काफी बड़ा और भीषण बॉम्ब होता है ये, वन मेगा टन का एक्सप्लोजन कर सकता है इसको अपग्रेड करने की बातें चल रही थी ऑल दो यूएस इज नॉट वेरी क्लोज टू अपग्रेडिंग दिस तो इसे अभी फिर से ऑपरेशनल या फिर इसकी सर्विस एक्सटेंड कराने के लिए नाइनटी एट मिलियन का फंड गया है की बात करेंट्री जिसके बाद डिलीवरी सिस्टम अब क्यों क्योंकि दो हजार चौदह से क्रीमिया के विवाद की वजह से पूरे वेस्ट के साथ कॉन्फर्टेशन चल रहा है रशिया का तो रशिया ने भी रिसेंटली बोरे क्लास एस एस बी एन यानी कि बलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अपनी फ्लिट में एड किया है सबमरीन इसके अलावा जो उनकी मिसाइल्स है जैसे कि यार्स मिसाइल अवनगार्ड मिसाइल स्कंदर शॉर्ट रेंज मिसाइल यहां पे भी काफी ज्यादा इजाफा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लेकिन सबसे जरूरी चीज है यहाँ पे कैलिबर मिसाइल लैंड अटैक कैलिबर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स यानी कि लैंड प्लस सबमरीन दोनों जगह से लॉन्च कर सकते हैं ये चीज रशिया ने अपनी कैलिबर मिसाइल्स के नंबर्स एनहांस किए हैं अगर हम लोग रशिया की सिक्योरिटी स्ट... स्ट्रेटेजी की बात करें 2024 तक उन्होंने यह कहा है कि उनके पास 85 सरफेस कैलिबर अटैक्स होंगी और 1200 सबमरीन कैलिबर मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी विच अगेन शोज रिलायंस ऑन न्यूक्लियर वेपन यूएस और रशिया तो है ही इसके अलावा अगर हम लोग यूके की बात करें देखिए यूके में नॉर्मली उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऐसी रही है कि दे रिलाय ऑन लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपने रिपोर्ट देखी वहां पे हार्डली आपको 120 के आसपास वॉर दिखे होंगे विद रिस्पेक्ट टू यूके लेकिन यूके की हाल ही में जो आईआर आई थी इंटीग्रेटेड रिव्यू आई थी हम लोगों ने इसके ऊपर बात उसको बढ़ाकर उन्होंने दो किया हुआ है यानी कि यूके ऑल्सो रिलाईस ऑन न्यूक्लियर वेपन अब अगर हम लोग साउथ एशिया स्पेसिफिक डिस्कशन करें तो चाइना इज ऑलरेडी पुशिंग टुवर्ड्स इट न्यूक्लियर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन देखिए

लैंड बेस्ड सी बेस्ड एंड एयर बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स आर बींग इंक्रीज मोर एंड मोर इन चाइना दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंड वाई बिकॉज चाइना है नाउ विद यूनाइटेड स्टेट्स लेकिन अगर हम साउथ एशिया की बात करें देखिए इंडिया की बात कर सकते हैं इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान बोथ ऑफ दम आर मॉडर्नाइजिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज अगर हम लोग इंडिया की बात करें इन टर्म्स ऑफ चाइना इन ऑलरेडी डिस्कस दिस आपने देखा न्यूक्लियर in वॉरहेड्स कम है पाकिस्तान से भी और चाइना से भी लेकिन अगर हम लोग इंडियन न्यूक्लियर फोर्सेस 2020 रिपोर्ट के बारे में बात करें इंडिया इज डेवलपिंग एटलीस्ट थ्री न्यू वेपन सिस्टम्स एंड इट इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स न्यूक्लियर ट्रायड ऑलरेडी हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है वी आर डेवलपिंग अग्नि फाइव इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिको एक्सपैंड पाकिस्तान तो है ही है पाकिस्तान की रिपोर्ट काफी पुरानी है वी डू नॉट नो न्यू डेटा विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बट चाइना एंड इंडिया बोथ आर एक्सपैंडिंग देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज राइट अब इन सब से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन से ऑल दो इन टर्म्स ऑफ एप्सोलूट नंबर्स वॉरहेड्स कम हुए दो हजार के मुकाबले में 2021 में 320 सौ वॉरहेड्स कम जरूर हुए लेकिन करंट ट्रेंड्स जो है एशिया में या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम लोग बात करें दे डो नॉट ऑफर एनी सोलिस तो सवाल जो हम लोगों ने उठाया था इज अ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड पॉसिबल इन नियर फ्यूचर एप्सोल्यूटली नॉट बिकॉज ट्रेंड क्या है ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिलाई कर रहे हैं देश अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए और जिस तरह की ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है जहां पे काफी काफी ज्यादा ज्यादा हो गया है है अग्रेसिव बन चुका है देशों के बीच में जैसे कि मैं कह सकता हूं चाइना हैज बिकम वेरी अग्रेसिव एंड असर्टिव एट द वर्ल्ड लेवल चाइना ने रिजेक्ट किया है कॉल कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे आई राइट इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स सिटी जिसको एक्सटेंड किया है यूएस ने भी और रशिया ने भी बट इसमें चाइना ने क्या है कि हम इसके भाग नहीं बनेंगे अगर चाइना की बात करें चाइना की विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं इन साउथ एशिया देखिए चाइना पाकिस्तान एक्सेस इंडिया दिस डायनामिक्स इज एक्चुअली लीडिंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर न्यूक्लियर वेपन और परहैप्स रेस फॉर द न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज इन साउथ एशिया इसके अलावा अगर हम लोग विश्व लेवल की बात करें एक तरफ चाइना है एक तरफ रशिया है यानी कि चाइना एंड रशिया वर्सेज द वेस्ट कॉन्फ्रेंटेशनल स इज ऑलरेडी बींग टेकन राइट फ्रॉम टू थाउजेंड एंड फोर्टीन इसके अलावा जो दूसरे पावर्स है टर्म दैट वी यूज रोग स्टेट्स या फिर रोग न्यूक्लियर स्टेट जैसे ट्रंप ने रिपीटेडली कहा है कि रोग न्यूक्लियर स्टेट है नॉर्थ कोरिया ईरान जहां पर न्यूक्लियर केपेबिलिटी बढ़ाने की बातें चल रही तो इन सब चीजों से हमें क्या समझ में आ रहा है दर इज नो सोलेस राइट नो देंसर टू द्वेश्चन दैट विल इट बी ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड परहैप्स नॉट वेरी वेरी सुन ऑल दो टूवर्ड्स डिसमेंट वी शुड मूव और यहां पर यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए टू एन्श्योर दैट देर इज वर्ल्ड डिसमेंट अगेन मीनिंगफुल डिसारोमेंट एंड द लीड टू बी टेकन फ्रॉम बिगर कंट्रीज लाइक यूएसए एंड रशिया विद दैट लेटमी एंड माई डिस्कशन थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद